क्योंकि हम हमें माइनक्राफ्ट को खेलना बहुत दिन हो चुके थे और मैं एक नया गेम स्टार्ट करना चाहता था, तो इसलिए मैं अभी शैडोफाइट 2 खेलने जा रहा हूँ। इसके और भी आगे और वर्जन है, जो स्टोरी लाइन में और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे हम शैडोफाइट 2 से, क्योंकि यही हमारा कोर है शैडोफाइट 3 का। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंसे, ये आई थिंक हमारा टीचर है और ये कह रहे हैं कि हमारे हमें बॉडी नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ख़राब चीज़ है बॉडी से। इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं ना, एक इंट्रो सीन शुरू होता है जिसमें बताया जाता है कि एक बहुत बढ़िया एक वॉरियर था जो एक ढंग की फाइट ढूंढने निकला था, और तभी उसने कि गेट्स ऑफ शैडोज को खोल दिया जिससे उसकी सारी स्किन वेन सब चली गई। और अभी हमें ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं कि हम ये पंचिंग बैग शेयर क्यों लगा रहे, यही कर रहे आए थे क्या? ओके, फैसिनेटिंग, एट नाउ अटैक द सी दैट, ये क्या कह रहे हैं यार, छोड़ो। अब ये सेंसे क्या कह रहे हैं, इम्प्रेसिव बट अ बैग कैन नॉट डिफेंड इट सेल्फ। अच्छा, लेट सी हाउ यू फेयर अगेंस्ट माई डिसिपल कैनजी। ठीक है, ये हमें किसी कैनजी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये कह रहा है, तो हम ये इस कैनजी के अगेंस्ट फाइट कर लेते हैं अभी। अगर ये कह ही रहा है तो हमारा वैसे भी ट्यूटोरियल चल रहा है। ओके, ये केंजी आ चुका है, क्या सोच रखा है इसने, ये ऐसे घूसों से हरा डालेगा, कुछ जान नहीं है ऐसे ही लगने आ गया। और अवतार देखो इसका, जैसे ये बहुत कोई बड़ा ही फाइटर है, बस इसके पास ये थोड़े स्पेशल मूव होने के बाद भी ये हमसे नहीं लग पा रहे है, और हमने इसे अभी हरा दिया है फर्स्ट राउंड, और वो भी बहुत बुरी तरीके से हराया है। सेकंड राउंड तो इससे ये पूरा परफेक्ट करके ही छोड़ूंगा। ओके, ओ इसने एक तो मार दिया, परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, इसने थोड़ा सा भी ढंग से धो दिया है बट स्टिल जीत नहीं पाया। ओके, हमने इसे हरा दिया। अरे क्या था, अरे कुछ ऐसे ही फालतू बंदों को लगने के लिए भेज डाला। और अभी हमें मिल चुके 74 कॉइन्स, और अभी इनका करना क्या है मुझे नहीं पता। अब सेंसेई क्या कह रहे हैं, आई न्यू यू कुड डू इट, नाउ यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अ वेपन। तो हम वेपन लेने चलते, कौन सा वेपन है? अबे बस चक्कू दे दिया, क्या घर में जो ये फल काटने के काम आते हैं चक्कू, वही दे दिया, और ढंग का वेपन दो यार। ये कौन है, लाइनेक्स, हु इज़ दिस लवली वॉर्म बिफोर मी, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम फाइटिंग द लाइक्स ऑफ यू। अच्छा, इतनी चौग, और ये खराब ऐसे चौग में हुआ है। हियर शिन द वीकेस्ट अप्रेंटिस इन माई ऑर्डर, फर्स्ट डिफीट हिम इफ यू कैन, पर हैव देन यू विल हैव द ऑनर ऑफ फाइटिंग मी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम इससे लगने के लिए अभी लग नहीं सकते इससे, या पहले हमें शिन को हराना होगा जो वीकेस्ट है इसकी ऑर्डर में, तो हम तभी इसे हराएंगे, तभी हम इससे लग पाएंगे। तो अभी हम इसे डिफीट करने चलते हैं। ओके, ये आ गया शिन, ये भी थोड़ा सा इसका सही अवतार है, मैं कहूँगा कि इसके सारे अवतार भी सही बना रखे हैं शैडोफाइट 2 में, सबसे अच्छा तो हमारे कैरेक्टर का बना रखा है। तो अभी मैच स्टार्ट होने वाला है। अरे इसके पास भी वही वेपन है, बस थोड़े से इसका शेप अलग है। ओके, इसमें भी कोई जान नहीं है, ये तो उस केंजी से भी कमज़ोर है। ओके, ये भी नाइव्स की तरह ही मूव कर रहे हैं, ये जो भी इसके पास ये डैजर्स जो है हम नाइव्स की तरह ही मूव कर रहे हैं, पता नहीं किस लेवल में आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो हमें नाइव से ही लगना होगा। ओके, इसने भी अभी अच्छे से हरा डाला है हमें। ओके, ओ
ओ भाई, एक हिट में इसे पूरा उड़ा डाला। ओके, लेकिन इसने भी हमारी बहुत हेल्थ ले ली थी। हम बहुत ही नूबले प्लेयर है जो इजी में भी हम नहीं कर पाए ढंग से। हमें थोड़ा सा तो इम्प्रूव करना ही होगा। अब ये लाइनेक्स क्या कह रहे हैं, इसकी बक बक मुझे नहीं सुननी है, फिर ये पग ही लेता हूँ। आई एम द लीडर ऑफ असैसिन्स ऑर्डर। अच्छा, इसकी गैंग का पूरा नाम है असैसिन्स ऑर्डर। यू आर नॉट वर्दी ऑफ फाइटिंग मी। हाँ पता है भाई, तू तो पहले से ये बोलता आ रहा है, कभी लगा भी है जो ये फायर यू आर नॉट वर्दी बोल रहे हैं। एट लीस्ट योर बैटल विद शिन वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, सी यू। तो अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है एक्ट वन, और असली गेम की स्टोरी अब स्टार्ट हो चुकी है। हीरो रीबॉर्न ये एक्ट वन है, जिसमें हम लाइनेक्स को डिफीट करने वाले हैं। अब मे क्या कह रही है, हाय माय नेम इज़ मे, आई एम द लोकल वेपन्स एंड आर्मर एक्सपर्ट, द बेस्ट इन दीज क्लाइम्स, कैन आई वर्क विथ यू। हाँ काम कर ले, अच्छा ही होगा, गुड डिसीजन। आई स्वेयर दैट योर गियर विल ऑलवेज बी इन परफेक्ट कंडीशन एंड आई विल हेल्प यू इन अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है मे, हियर इज़ माई फर्स्ट एडवाइस, यू कैन अर्न मनी इन द टूर्नामेंट्स। ठीक है तो, हाँ पता है भाई। तो अभी हमें लगने चलते हैं, अभी सबसे स्टार्टिंग में तो हमें 40 कॉइन्स ही मिलेंगे। ठीक है, ये कैसा नाम रखे यार, फाइटर का मंकी। एवरटार भी इसका बगाई मस्त है, बहुत फनी नाम रखा है। अरे अच्छा नहीं, अच्छा लगने आ रहा है, तो हमें भी नहीं अच्छा ही लग लेना चाहिए था। हम कौन सा ये डरपोक थोड़ना है, ये वेपन वेपन होता तो अच्छी बात थी। ठीक है, लेकिन ये जैसे भी लग रहा है अच्छा ही लग रहा है यार, ये ख़राब भी नहीं है। वेयर, ये पूरा धो डाल रहे ये। ओके ओहो, इसने पूरी हालत ख़राब कर दी है। ये इजी में होने के बाद भी हम इतने ये ख़राब फाइटर आ रहे हैं। ओके, हमने इसे अभी डिफ़ीट कर दिया, लेकिन इजी में हम बहुत ही ख़राब खेल रहे हैं। इजी में मान लो इतनी आ रही है, तो हम ये इम्पॉसिबल या इंसेन वगैरह में कैसे ही होगा, एक हिट में हम मर जाएंगे। ओहो, लेकिन मेरी भी गलती है, ये सच में इजी है, बस मेरे पास ये मूव नहीं है ना यार, तो ये होना होगा यार, अपग्रेड करना होगा। ओके अरे अभी तो टच हुआ था यार, क्या हो गया, ये एआई, ये एआई है तो क्या इसके हम हिट नहीं कर सकते, जब हम ही वॉल से मूव करते हैं तो ये तो हमें हिट कर डालते हैं, ये क्या होता है भाई। तो लेकिन एनीवेज हमें 40 कॉइन्स मिल चुके हैं, और अभी हम क्या कर सकते हैं। मे यू आर ऑसम, अर्न मनी इन टूर्नामेंट्स, मुझे इसकी बात नहीं सुननी है ऐसी भी। सेंसेई कह रहे कि हम लेवल 2 में पहुँच चुके हैं और अभी हमारे स्किल्स इंप्रूव हो चुकी है, और ये एक आया वैसे ये अच्छा होगा यार। इसमें जो ये डबल स्वीप कर रहे थे ना, जो पैर नीचे से दो बार घुमा रहे थे, वो वाला है ये, मैं दिखाता हूँ। हाँ यही वाला है, उसी की वजह से वो हमें गिराया जा रहा था जो अभी ये टूर्नामेंट में आया था मंकी। और अभी हम अभी मैप में चलते अपने, और एक और टूर्नामेंट खेल लेते, या हमें कुछ खरीद सकते हैं क्या स्टोर से अभी वैसे। ओके, हमें ये चाहिए, एक आर्मर खरीद सकते, चलो ये इजी हो जाएगा। अभी दो चार अभी कुछ कर लेंगे फिर ख़त्म। और ये वाले डैजर्स यार किस लेवल में लॉक होते हैं, मेरे को तो नहीं मिले डैजर ये वाले। ये शिन के पास भी थे, बस थोड़े से ये पतले लाया है। ओके, मैं बहुत ही नू प्लेयर हूँ लिटरली, ऐसे नया भी स्टार्ट कर रहा है तो क्यों नहीं होऊंगा, और वैसे मेरी भी गलती है यार। मैंने सोचा था कोई डैमेज नहीं देगा ये। ओके, हमने फर्स्ट राउंड में इसे भी हरा दिया, और अभी देखते हैं कितने कॉइन्स मिलने हैं, क्योंकि हमें ये नेक्स्ट बॉडीगार्ड को भी डिफीट करना है, फिर देखेंगे क्या होता है। ओके, बहुत दूर तक उगाड़ डाला इसे। ओके, ये क्या है यार, कुछ भी नहीं है इनके पास, मतलब ऐसे ही आ जाते हैं लगने पर। हमारे पास ये पहले ट्यूटोरियल थोड़ा ढंग से नहीं करा था हमने, इसीलिए। ओके,
और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कल की वीडियो में, क्योंकि आज के लिए हमने बहुत कर लिया, ट्यूटोरियल भी कंप्लीट कर लिया और हमने लाइनेक्स के फर्स्ट बॉडीगार्ड को भी डिफीट कर दिया और कुछ टूर्नामेंट्स भी खेल लिए और कुछ नए लोगों से भी हम मिले जैसे सेंसेई और मे वगैरह। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय दोस्तों।